कैंट पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्त को कारमल तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सोनू कुमार डोम पुत्र मिंटू डोम निवासी एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी थाना कैंट जनपद गोरखपुर, दूसरा अविनाश कुमार डोम पुत्र रविन्द्र डोम निवासी एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी थाना कैंट जनपद गोरखपुर, तीसरा सुहेल हाशमी पुत्र मोहम्मद इस्लाम हाशमी निवासी इलाहीबाग बहरामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, हाल पता अजय नगर इमामबाड़ा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी होंडा एक्टिवा बरामद किया गया है। सीओ कैंट ने बताया कि 8 मई को थाना कैंट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कैंट पुलिस द्वारा कारमल रोड पर अभियुक्तों को रोककर पूछताछ किया गया। पकड़े गए 3 लड़कों से उनके पास मौजूद बजाज पल्सर का कागजात के बारे में पूछा गया तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोग शहर के भिन्न भिन्न स्थानों से गाड़ियां चोरी करते हैं एवं एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी के पीछे छिपा देते हैं। ग्राहकों के मिलने पर गाड़ियों को वहां से निकाल कर बेच देते हैं तथा बेचने से मिले पैसों को आपस में बांट लेते हैं एवं अपने शौक को पूरा करते हैं। इस पल्सर गाड़ी को हम 3 लोगों ने बहराम नगर करजहां से लगभग 1 माह पहले चोरी किया था एवं हम लोगों ने एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी के पीछे 3 और चोरी की मोटरसाइकिलों को छिपा कर रखे हैं, जिस पर पुलिस द्वारा अभियुक्तों की निशानदेही पर एक्सीडेंटल अस्पताल के बगल झोपड़पट्टी के पीछे कपड़े से ढकी हुई 2 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर, 1 हीरो HF डीलक्स तथा स्कूटी होंडा एक्टिवा रंग काला को बरामद किया गया। चोरी की बरामद शुदा गाड़ियों के वाहन स्वामियों की व इसके संबंध में पंजीकृत अभियोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता, कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव, प्रेम बहादुर सिंह, राजेश सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा, ये सचो कैंट व इनकी टीम द्वारा एक चोरों के गैंग को पकड़ा गया है बीती रात्रि में, जिसमें 3 उनके सदस्य इस गैंग के गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक का नाम है सोनू कुमार डोंग, दूसरा है अविनाश कुमार डोंग और तीसरा है सुहेल हाशमी, जिसमें से 2 थाना कैंट के ही रहने वाले हैं और तीसरा जो तिवारीपुर थाने का रहने वाला है। ये बेसिकली मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं और कभी कभी ये बैग वगैरह भी छीन कर भागते हैं, जिसमें से सोनू कुमार डोम पहले भी लूट के एक मुकदमे में जेल जा चुका है। ये इनके पास से चोरी की 4 दोपहिया गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें से 1 थाना खोराबार से चोरी हुई थी, वहाँ मुकदमा पंजीकृत है, 1 बेतियाता थाना कैंट में चोरी हुई थी पंजीकृत है, बाकी 2 मोटरसाइकिल के विषय में भी तस्दीक किया जा रहा है। अभी तो इनके पास से बरामद हो गई जो इन्होंने चोरी की है, अभी कहाँ बेचते हैं इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है, पूछताछ चल रही है। अब ये जैसे एक तो इन्होंने बेतियाता से चोरी की है, एक खोराबार में इन्होंने वहाँ से चोरी की है, इस तरह से इन्होंने चौराहे तिराहे मार्केट जहाँ भी गाड़ियाँ इनको मिल जाती थी उसको चेक करते थे, अगर खुली है उसको चोरी कर लेते थे। अभी तो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें और इनके सदस्यों को पता लगाया जा रहा है, पूछताछ चल रही है अभी।